तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ ग्राफिक कार्ड्स लेके आया हूँ, ठीक है। वो ग्राफिक कार्ड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जिनकी प्राइस जो है कम है, ठीक है, लेकिन जिनसे हम रेवेन्यू जो है वो अच्छा जनरेट कर सकते हैं माइनिंग करते हुए, ठीक है। कार्ड जो है वो तो मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है, 12 to 16 GB तक कार्ड है, लेकिन उनकी प्राइस जो है वो फिर उतनी ही ज्यादा है जो आम बंदा जिसे अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे मैं जाता हूँ तो वहां पर आप जाके लिखें अगर हमें टॉप यानी कि माइनिंग कार्ड्स कौन से हैं, तो वो आपको कार्ड जो निकाल के देते हैं वो 8 to 10 lakh रुपए का एक कार्ड है, ठीक है। वो वाले कार्ड जो है वो मुझे पता है कि यार यूट्यूब पे जो बंदा आके सर्च करता है कि यार मैं माइनिंग के लिए कार्ड यूज करना चाहता हूं, वो इतनी रेंज का कार्ड जो है वो उसके अफोर्डेबल नहीं है, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं आपके लिए जो कार्ड यहां पे लेके आऊं, एक तो वो कार्ड जो है वो नॉर्मल रेंज में है, ठीक है, जिन्हें मोस्टली दोस्त जो मुझे कमेंट करते रहते हैं कि भाई अगर हम एक सिस्टम के अंदर एक कार्ड यूज करते हुए माइनिंग करना चाहते हैं, हम पूरी रिग नहीं बनाना चाहते, एक सिस्टम के अंदर हम एक ग्राफिक कार्ड यूज करें उससे हमें अच्छी अर्निंग मिल जाए, तो हम कौन सा कार्ड यूज करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वही कार्ड बताऊंगा कि जो आप अपने एक पीसी या एक पर्सनल कंप्यूटर के अंदर यूज करके अच्छी अर्निंग जो है कर सकते हैं, ठीक है। उस पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी प्राइस क्या है ये भी बताऊंगा, ठीक है, आपको माइनिंग हैश रेट कितना देगा और ओवरऑल मंथली आप उसे कितना अर्न करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको उन जो कार्ड यहां पर बताऊंगा उनकी ये सारी डिटेल भी मैं आपको साथ बताऊंगा। तो चलिए आपको मैं अभी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे कार्ड आता है वो कार्ड भी आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है, उसका कितना हैश रेट है वो सारी चीजें अभी आपको डिटेल से बताता हूँ। फर्स्ट कार्ड जो अभी यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ वो GTX 1070 है, ठीक है, तो चलिए अभी उसे चेक करते हैं। तो इस टाइम मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ, यहाँ पे गूगल पे आके हम सबसे पहले सर्च करते हैं GTX 1070 कार्ड को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस जो है वो चेक करवा देता हूँ। इस टाइम जो 8 GB का ये कार्ड है, ठीक है, मैं आपको जो रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, आप माइनिंग के लिए सिस्टम में यूज करेंगे तो इस कार्ड की कीमत जो है वो 63,000 है, लेकिन ये 63,000 आपको यहाँ पे बता रहा है अगर आप इसे ऑलएक्स में या दूसरी किसी और साइट पर चेक करते हैं तो ये आपको 55 to 50,000 की रेंज में इजिली मिल जाता है ये वाला कार्ड, 8 GB का ये कार्ड होगा, ठीक है, आप GTX 1070। अब ये आपको हैश रेट कितना देगा और इसकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी ये सारी चीजें मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। इसमें जो हैश रेट जो हमें देता है ये 26.85 मेगा हैश रेट हमें देता है, ठीक है। अभी आपने ये चीजें चेक करने के लिए कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी आती है और ये हमें मंथली कितना यानी कि रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे गूगल पे आप आएंगे यहाँ पे लिखेंगे नाइस हैश, ठीक है, नाइस हैश कैलकुलेटर, नाइस हैश वेबसाइट का कैलकुलेटर जो है मैं ओपन करूंगा, वहां पे आप अपना कार्ड जो है जिस भी कार्ड की आप कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं वहां पे वो कार्ड लिखेंगे, ये वेबसाइट जो है ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगी कि ये कार्ड आपको मंथली कितनी अर्निंग देगा। तो यहाँ पे आप अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक तो ऑटो डिटेक्शन आता है और मैनुअल सिलेक्शन आता है। ऑटो डिटेक्शन अगर आप करेंगे तो ये आपके जो सिस्टम के अंदर इस टाइम कार्ड लगा या जो भी प्रोसेसर लगा वो सारी चीजें डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन हम मैनुअल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम मैनुअली चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने यहाँ पे सबसे पहले हमें करेंसी का है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कह दिया। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहता हूँ डिवाइस, तो मैं अभी यहाँ पे डिवाइस लिखता हूँ GTX 1070, कैलकुलेट करता हूं इसे, तो आप देख सकते हैं उसने यहां पे हमें बता दिया कि पर डे हमें ये 1.89 USD यानी कि जो है अर्न करके देगा। लेकिन अगर इसके आप नीचे थोड़ा सा आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें वन डे की इनकम भी बता रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बता रहा है, ठीक है, उसके बाद एक वीक की यानी कि हमें जितनी भी अर्निंग हो रही है वो यहाँ पे शो कर रहा है और मंथली, ठीक है, मंथली अगर आप देखते हैं तो ये आपको $77 जो है ये मंथली कार्ड अर्न करके दे सकता है अगर आप ये एक कार्ड अपने सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा यानी कि ये अर्निंग है एक कार्ड से। बाकी इसकी जो प्राइस है वो भी मैंने आपको चेक करवा दिया। अब तो यहाँ पे जो इसके बाद मेरे पास कार्ड आता है RTX 2070 कार्ड है, ठीक है, इसमें दो मॉडल है, ठीक है, 2070 है, एक 2060 है, ठीक है, लेकिन इन दोनों कार्ड्स में प्राइस का काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अर्निंग का डिफरेंस जो है वो बहुत माइनर है। मैं अभी आपको यहाँ पे दोनों कार्ड्स की जो हैश रेट है जो अर्निंग है वो चेक करवा देता हूँ ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है पता चल जाए। ये भी कार्ड जो है 8 GB के कार्ड है, ठीक है, कोई भी इनमें से एक कार्ड जो है अपने सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं आता हूं अभी नाइस हैश पे दोबारा और यहां पे आके मैं ये कार्ड जो है एंटर करता हूं, आरटी एनवीडिया का कार्ड है, ये बहुत जबरदस्त कार्ड है, ये आपको 2.69 USD पर डे की अर्निंग देता है, मंथली आपको $108, ठीक है, डॉलर जो है ये अर्न करके दे सकते हैं।
इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उसने माइनस करके ये आपको नीचे बता रहा है। तो अब अगर हम इसकी प्राइस जो है इस टाइम चेक करते हैं RTX 2070, तो ये कार्ड जो हमें कॉस्ट करता है 2 लाख टू 250 लाख के राउंड अबाउट, ये हमें कार्ड जो है ये कॉस्ट करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा कार्ड एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी अर्निंग जो है वो भी अच्छी है। तो अब एक बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको लास्ट पे वीडियो के कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि जो हमने यहाँ पे कार्ड देखे हैं वो कितनी देर के अंदर अपनी, यानी कि जितने हम उनपे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी देर में कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हमें प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो उसके बाद अगर मैं 2060 कार्ड यहाँ पे चेक करता हूँ, तो ये कार्ड आप देख लीजिए, आपको तकरीबन 1 लाख से लेकर, ठीक है, और 1,80,000 रुपए तक यानी कि कॉस्ट करेगा तकरीबन। अगर मैं ये कार्ड जो है ओएलएक्स पे भी लोग बहुत ज्यादा सेल करते हैं, RTX 2060 कैलकुलेट करते हैं इसकी अर्निंग, तो ये आपको $2 देगा। आप देख सकते हैं वो हमें जो 70 था वो हमें क्या दे रहा है जी, 2.69, ये हमें 2.04 दे रहा है। लेकिन इसकी प्राइस का डिफरेंस आप खुद चेक कर सकते हैं, वो आपको मिलता है 2 लाख का, ये आपको मिलेगा 1,50,000 की रेंज के अंदर। लेकिन इसकी अर्निंग $2 डेली की है, ठीक है, और मंथली $80 ये आपको अर्न करके दे सकता है। तो मेरे ख्याल से इससे बेटर है जो मैंने सबसे पहले आपको कार्ड बताया है GTX 1070 कार्ड, 8GB का जो है वो मेरे ख्याल से इन दोनों कार्ड से अच्छा है, ठीक है। वो आपको अर्निंग जो दे रहा है वो तकरीबन आपको $70-$75 के राउंड अबाउट, ठीक है, मंथली दे रहा है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो काफी कम है, ठीक है। आपने देखा 63,000 का वो आपको कार्ड मिलेगा। अगर हम चेक करते हैं कि हमें 63,000 का, ठीक है, अगर आप 70,000 उसकी कॉस्ट लगा लें, अगर आपको 70,000 का, ठीक है, वो वाला GTX 1070 कार्ड जो है आपको 70,000 में मिलता है, तो वो कितनी देर में अपने पैसे जो है वो पूरे कर देगा, बड़ा सिंपल है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और 70,000 का अगर हमें कार्ड जो है वो मिल रहा है, तो हमें डेली अर्निंग जो वो मंथली अर्निंग जो दे रहा है वो दे रहा है, सॉरी सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, मंथली अर्निंग हमें वो दे रहा है 75 अगर हमें दे रहा है मल्टीप्लाई बाय 150 का डॉलर है पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है, 11,200 रुपया यानी कि आपको मंथली वो अर्न करके देगा। तो हमारा उस पर टोटल हमें कार्ड कितने में मिला जी, 70,000 में, ठीक है, 11, 10, तो तकरीबन 6 माह के अंदर जो ये कार्ड के पैसे हैं वो पूरे हो जाएंगे आपके। उसके बाद जितना भी आप उसे माइनिंग करेंगे उससे, ठीक है, वो आपकी अर्निंग होगी। तो ये जो आज की प्राइस है बिटकॉइन की, ठीक है, ये BTC की प्राइस को, आज की प्राइस को कैलकुलेट करते हुए ये आपकी अर्निंग, ठीक है, और दूसरी चीज़ें सारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हर चीज़ वो आज की प्राइस के हिसाब से, जो भी बिटकॉइन की प्राइस अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको नीचे वो बता रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम क्या है, और इस बिटकॉइन की प्राइस को देखते हुए वो आपकी अर्निंग जो है वो यहाँ पे निकालता है, कैलकुलेट करता है, नाइस हैशो वेबसाइट है, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर मैंने कुछ अपनी सर्च जो है आपके साथ शेयर की, ठीक है, कार्ड से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है ये पसंद आई होगी, ठीक है। बाकी जो भी दोस्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कार्ड लेके अपने सिस्टम में लगाना चाहते हैं, मैंने आपको ये कार्ड दो यहाँ पे बताए हैं, ठीक है, आप खुद एक दफा सर्च करें, हो सकते हैं आपको इनसे भी बेटर कार्ड जो है मिल जाए। बाकी एक चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूं, किसी भी किस्म की आप जो इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं माइनिंग के अंदर, ठीक है, आपने खुद एक दफा सर्च करके मेरी बातों को क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है, आपको जो बेहतर लगे आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको किसी भी किस्म का नुकसान होता है आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे, ठीक है। मेरा काम है कि आपको रिसर्च करके, ठीक है, कुछ जो बेहतर चीजें हैं वो बताना, लेकिन बाद में आपने उसे क्रॉस वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ बेटर है और आप इससे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, देन आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करके लाजमी शेयर कीजिए। बाकी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, मैं इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।